सर भाग के भाग के। वहाँ पे जैसे पुल के पास गए तो एक बंदा मिला, वीडियो दिखाई कि वो लैंडस्लाइड्स कैसे पार करके आया। तो आप देख सकते हो सामने वो रोड, वो सीधा वो रोड जहाँ पे वो इग्लू जैसे घर बने हुए, वो सरकारी गेस्ट हाउस है, आश्रम है, जिसका नाम मैं आपको दिखाना चाहूँगा, श्री नारायण आश्रम कैलाश। तो कैलाश में हम ट्रैवल कर रहे हैं फिलहाल, यहाँ पे रेंज वगैरह नहीं है और नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी ये है कि शाम को आ जाती है, फ़ोन वगैरह चार्ज सब हो जाते हैं। और जो मैंने ऊपर सरस्वती जी जो स्वामी जी थे उनका मैंने दिखाया था, वो शून्य पॉइंट पे था, शून्य आश्रम, शून्य कुटिया। तो बाइक हमारी नीचे खड़ी हुई थी, तो दोस्तों आज निकलने का प्लान है। तो भाई रेनकोट वगैरह पहन के तब यहाँ पे ट्रैवल किया गया है इतनी दूर, और बिल्कुल मैं ढका हुआ हूँ टोटली रेनकोट में। ये फौजी वाला रेनकोट है वैसे तो, लेकिन जेन्युइन रेनकोट है भाई, 1% पानी को अंदर नहीं आने देता। तो आप भी रेनकोट अच्छा सा पहन के आए घूमने आए तो, यहाँ पर बारिश बिल्कुल पिछले मेरे ख्याल से 78 घंटे से बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी नॉन स्टॉप, कोई बीच में गैप नहीं है बारिश के, और एरिया बहुत अच्छा है भाई। तो आज निकलते हैं आज यहाँ से और नीचे चलेंगे दारचूला की तरफ, वहाँ पे स्टे आज होगा, देखेंगे क्या आज कर सकते हैं। रोड बंद हो चुका है फिलहाल भाई, फंस चुके हैं यहाँ पे, पत्थर आ रहे हैं बड़े वाले पत्थर, भाग के भाई, बड़े पत्थर आने लग गए हैं अब, और लैंडस्लाइड हो रखी है जबरदस्त वाली, भाग के भाई, बड़े पत्थर आने लग गए हैं अब और लैंडस्लाइड हो रखी है जबरदस्त वाली, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है भाई, पीछे हो जाओ, और आगे वाला बड्डा था, दुडुम दही आवाज आई थी उसकी, बोल ही बन के भाई अब रास्ता जब खुलेगा तभी निकल पाएंगे यहाँ से, तो चलो भाई चले वापस चले। ये एक आध और पत्थर देखोगे, दोस्तों फिलहाल भाई हम नारायणगढ़ से नीचे की तरफ आ रहे थे, और बोर्ड देखो आप फिलहाल सामने, ये देखो तवा घाट 111 किलोमीटर और 59 किलोमीटर जोलब जीबी। अगर बात करें हम सिचुएशन आगे की तरफ एक रोड जाता है, तो वो रोड आगे जाते ही मतलब लैंडस्लाइड्स हो गई हैं तीन, और एक लैंडस्लाइड मैंने जो कि आपको दिखाई है अभी वो भी काफ़ी भयानक थी। तो अभी रुके हुए हैं सिर्फ यहीं पे, खाना वगैरह सब हो गया है अभी, और हमारे साथ और भी यात्री यहाँ पे फंसे हुए हैं। ये इनोवा में पूरी की पूरी गुजरात से आई थी ये गाड़ी, भर के लोग थे इसमें, तो वो भी यहीं पे रुके हुए हैं। तो दोस्तों कैंपिंग हो गई स्टार्ट, बाइकें लग चुकी हैं, अब चलेंगे अंदर। दोस्तों समय हो गया 5 बजे का, और अभी हमने कैंप पूरा सेटअप कर लिया है, लाइटिंग वगैरह सब कुछ, स्लीपिंग बैग्स वगैरह और हमारे टैंक बैग्स वगैरह सब कुछ एडजस्ट हो गया। तो भाई दिक्कत यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे पास में सिर्फ एक खाने का होटल वगैरह अवेलेबल था, तो ये चीज़ है कि भाई कैंप साथ लाने का ना बहुत फ़ायदा होता है। तो ये भाई हमने 3% टेंट है ये वाला, इसमें 3 लोग 4 लोग आराम से सो सकते हैं, और ये क्या बोलते हैं अंकुर भाई का है, तो मेरा टेंट तो मैंने बाइक पर लगा रखा है,
बाकी मैं शाम को थोड़ा सा दिखाऊंगा एक बार कि कैसे हमने बाइक वगैरह पार्क की है। और अभी फ़िलहाल बन रही है कॉफ़ी, और कॉफ़ी बना के कॉफ़ी पियेंगे और फिर एंजॉय करेंगे। तो अभी क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ एक चीज़ हो रहा है, देखो एक बार एडजस्टमेंट सारी देखो तुम, यहाँ पे मैंने हेलमेट वगैरह GoPro वगैरह एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे एडजस्ट हो गया। और मेरे पीछे भी बैग है, मैंने अपने वाले बैग का यहाँ पे ना तकिया बना लिया, ठीक है नीचे। और ये वाले सैडल बैग्स हो गए, पीछे बैग्स हो गए, वो माइक वाइक रखा हुआ है, काफ़ी चीज़ें हैं भाई एडजस्ट हो जाती हैं। और अगर हाँ ये कि अगर कहीं पे टूरिज्म के लिए जाओ या फिर टूर के लिए जाओ, तो अगर नॉर्मल बंदा भी कोई जाता है, अगर कोई प्रोफेशनल कैंपर वगैरह नहीं है, या मान लो फैमिली के साथ भी अगर कोई जाता है, तो प्लीज़ कैंप को साथ में ज़रूर रखें। पहाड़ों में कोई अंदाज़ा नहीं होता कि कहाँ आप फंस जाओगे, पहाड़ों की कोई गारंटी नहीं होती। और आपने देखा ही है वीडियो में कैसे पत्थर गिर रहे थे वहाँ पे, वो पूरा रोड वही था जिस पे से हम कल आए थे, और आज वो पूरा का पूरा जिसे बोलते हैं पहाड़ लैंडस्लाइड होके ब्लॉक हो चुका है। तो कल पता नहीं है, मतलब दुकान शॉप जो शॉप वाले हैं वो तो बोल रहे हैं कि खुल जाएगा कल तक, मगर देखेंगे सुबह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कल का देखते हैं कल। लेकिन एक चीज़ और है भाई, कैंपिंग लग गई, कोई खर्चा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठेंगे आराम से लौटेंगे, तब तक के लिए थैंक यू भाई। अच्छा एक चीज़ और है भाई, हमारे राइट हैंड साइड बहुत बढ़िया नदी और एक झरना पास में है, वो भी दिखाऊंगा, तो तब तक के लिए जुड़े रहिए वीडियो में। क्या बना रहे हो? कॉफी, कॉफी स्पेशल कॉफी। स्पेशल कॉफी बन रही है, फाइव स्टार वाली। चाय पिलाई थी, आज आपको कॉफी पिलाएंगे। चलो बढ़िया है। तो भाई आज कॉफी बन रही है बहुत जबरदस्त, ये भाई हिमांशु है, बहुत बढ़िया कॉफी बनाता है। तुम लोगों ने वहाँ पे लगा लिए तो अब क्या खरीद करी भाई, वहाँ उतनी ठंड नहीं थी ना, गर्मी थी, जहाँ ये वाला कैंप लगाया था वहाँ भी। इधर जाए इधर। तो दोस्तों समय हो चुका है 8:45 का, और कैंप हमारा टेंट लग चुका था, बहुत अच्छी ठीक ठाक हमें टाइम पे डिसीज़न लिया इस चीज़ का। और अभी बॉनफायर करके सभी खाना खाने गए हुए हैं, मुझे भूख नहीं थी तो मैं खाना खाने नहीं गया, मैंने दिन में जल्दी खा लिया था थोड़ा, और बीच में थोड़ा बहुत जैसे अभी अमूल का दूध का डब्बा रखा हुआ है वहाँ पे, तो मैं दिखाता हूँ ये वाला, हमने कॉफ़ी बनाई थी तो मैंने बाद में चाय बना के पी ली थी। तो समय 8:45 का और टेंट अभी सही है, सिचुएशन सारी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ की। और बिल्कुल हमसे ये लगा लो आप, जो लैंडस्लाइड हो रखी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 मीटर दूर होगा, और वहाँ से लेके तीन लैंडस्लाइड्स हैं। तो अब ये नहीं पता कि ये कल खुल पाएगा भी ना या नहीं, या दो दिन लगे या तीन दिन लगे, मगर हमारे पास चीज़ें सारी अवेलेबल हैं, स्टोव वगैरह एवरीथिंग, मैगी वगैरह सब कुछ हम बना सकते हैं, कॉफ़ी चाय एनीथिंग कुछ भी हो, सर्वाइविंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मगर थोड़ा सा बस ये कि घर वालों की टेंशन होती है यार, और बस इसी चीज़ की है दिक्कत, मतलब ये कि यार मतलब उनकी थिंकिंग, मतलब ये दिक्कत सोच आती है कि वो क्या सोच रहे होंगे फ़िलहाल अभी कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। और ठंड इतनी नहीं है वैसे यहाँ पे, और जहाँ पे आज घूम के आए हैं ना बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बहुत खूबसूरत, इतनी ऊपर नारायण आश्रम, उसकी स्टोरी है एक उस नारायण आश्रम की, तो वो स्टोरी में ना घर पे जाके Q&A एक बनाएंगे, Q&A वीडियो ट्रैवलिंग के को लेके, कि ट्रैवलिंग में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कितनी एक्सट्रीम, कितना एक्सट्रीम हो सकता है एक प्लेस, उस प्लेस पे कैसे आप सर्वाइव कर सकते हो, वो चीज़ें हैं। और बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं, देखो बहुत सारे फैक्टर होते हैं एक सर्वाइविंग के लिए, जैसे अभी कैंपिंग लाइट्स वगैरह भी मेरे पास नहीं थी, मगर एक भाई के पास थी, वहाँ से अवेलेबल हो गई। और आग जलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी आप कैंप लगाएं। मैंने पहले ऐसी जगह कभी कैंपिंग नहीं की जहाँ पे मुझे आग जलाने की ज़रूरत पड़े, मगर आज ज़रूरत पड़ी बाद में। अभी लकड़ियाँ भाई मोटे वाली लगा रखी हैं मैंने, छोटे वाली तो जल चुकी है सारी, और सॉक्स वगैरह थी वो भी मैंने, गीली हो चुकी थी भाई टोटल, शूज़ वगैरह सब कुछ गीले हो चुके थे,
तो सॉक्स वगैरह तो मैंने उसके पास भी टांग दी, सूख जाएंगी सुबह तक। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा यहाँ का, लेकिन बहुत एक्सट्रीम एरिया है यहाँ पे, लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं ठंड में भी गर्मियों में भी किसी भी टाइम। ऐसा नहीं है कि यहाँ लैंडस्लाइड्स नहीं होते, तभी मैंने बोला था कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वाला ट्रिप होगा, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक। इसके बाद अच्छा हाँ एक चीज़ और, हम जैसे कल आ रहे थे, स्टोरी बताता हूँ एक, हम जैसे कल आ रहे थे यहाँ पे दारचूला से ऊपर की तरफ, तो बीच में ना एक पुल पड़ता है जो फ्लाई ओवर होता है टाइप, मतलब नदी के ऊपर से। तो हमने पहले जाना सोचा कैलाश की तरफ, कैलाश पर्वत है जो नेपाल के बॉर्डर से कैलाश के ही रिलेजन में लगता है, और चाइना का बॉर्डर होता है मेनली वहाँ पे, तो चाइना हम देखना चाहते थे। और लाइव लैंडस्लाइड देखी भाई आज। अच्छा एक चीज़ और है भाई जो मैं स्टोरी शेयर करने वाला था, वहाँ पे जैसे पुल के पास गए तो एक बंदा मिला, वो बिल्कुल अकेला आ रहा था, और वो आ रहा था कहाँ से, मतलब उसको हमने सिर्फ आधे रास्ते में से आते देखा, लेकिन उसने बाद में वीडियो दिखाई कि वो लैंडस्लाइड्स कैसे पार करके आया। तो भाई पिछला व्लॉग देख लेना मेरा, जो भी मजाक उड़ा रहे होंगे या फिर आप उस चीज़ को हल्के में ले रहे होंगे कि ये तो खेलने गए हैं, ये तो मस्ती करने गए हैं मोरनी हिल्स में, तो नदियों के ऊपर से भी हमें रस्सी के थ्रू किस तरीके से लटक के नदियां पार करनी पड़ती हैं। वो बंदा वैसे ही पार करके आया था भाई, उसने वीडियो दिखाई, मेरा एक बार तो घबरा गया था मैं, अभी पता नहीं तुम्हें आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही नदी की, लेकिन बहुत भयंकर आवाज़ है, एक बार ध्यान से सुनो, रुको। आई आवाज, इतना रौद्र रूप है तुम सोच नहीं सकते नदी का, बहुत भयंकर, झरने बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे, बहुत बड़े आदि कैलाश। तो भाई नेचुरल बात ये है कि हर कोई नहीं कर सकता, ये गारंटी है, दिल कांप जाएगा, कमज़ोर दिल वाले बिल्कुल मत आना दोस्तों यहाँ पे। हाँ वीडियो देखो और दूर से हाथ जोड़ लो, बस वो बहुत है। और बस यहाँ पे पता है क्या, मंदिर वगैरह आदि कैलाश में बिल्कुल टॉप पे जाके है, वहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा नामुमकिन जैसा है, क्योंकि वहाँ पे बाइक्स वगैरह हम ले जाएं, लेकिन क्या बोलते हैं वहाँ पे 4x4 ही गाड़ियाँ कामयाब है, जिनके टायर वगैरह पे जो लोहे की बेल्स वगैरह होती हैं जो उनको स्लिप होने से बचाती हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पे कामयाब है। लेकिन हमारे पास क्या है कि हमारे पास है बाइक, अब बाइक में सिस्टम ये कि हमारी यार, मैंने वहाँ पे टायर भी नया डलवा दिया था इस चीज़ को लेके कि भाई बाइक, और हाँ सही डलवाया वैसे, रास्ते में इतने एक्सट्रीम रोड थे वहाँ पे स्लिप कर जाती बाइक, और रास्ते में भाई निंजा वाले भाई साहब हैं वो भी कम से कम भी 2 बार गिर गए थे, बाइक स्लिप हो गई थी एकदम से, और एक जगह तो बिल्कुल ही डाउन हो गई थी बाइक। और मैं भी आज, मेरा ये कि मेरा सिर्फ बैलेंस खड़े खड़े का, मैं खड़ा था बाइक लेके, और जैसे ही मैं यू टर्न कर रहा था, मोड़ रहा था, तब मतलब ऊंचाई नीचाई थी थोड़ी सी, तो पैर वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाया था, तो गिर गई थी बाइक। बाकी मैं उठ गया था, चोट वोट कुछ नहीं लगी, मैंने फटाफट बाइक उठाई, क्योंकि तेल लीक, ऑयल था जो भी पेट्रोल वगैरह वो लीक कर रहा था टैंक में से, तो इसीलिए मैंने फटाफट उठाई, खामखा पेट्रोल का वेस्ट हो जाता। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत भयंकर। अगर आप आना चाहते हो घूमने तो एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना, अगर आप एडवेंचर को पसंद करते हैं। बाकी अगर आप घूमने फिरने वाले हैं, फैमिली वैमिली वाले हैं, तो थोड़ा सा डाउट है भाई इस चीज़ पे कि आप नहीं कर पाओगे इस चीज़ को कंप्लीट, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बहुत दम चाहिए, एक पागलपन चाहिए, तब हो पाता है। अब तक की मेरी सबसे ख़तरनाक राइड थी, सबसे ख़तरनाक। तो अभी स्लीपिंग बैग ओढ़ रखा है भाई, स्लीपिंग बैग बहुत गर्म है, ठंड नहीं लगती इसमें, और आग जल रही है, आग दिखाओ।